मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के क्षेत्र गांव मालीपुर के जंगल व आसपास के इलाकों में पागल हुए गीदड़ का खौफ बना हुआ है। ये गीदड़ अब तक एक मासूम सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। गांव मालीपुर निवासी सचिन ने बताया कि उसका भतीजा 7 वर्षीय सिद्धार्थ अपनी बुआ मोनिका के साथ खेत पर जा रहा था कि गांव से कुछ ही दूरी पर पागल हुए गीदड़ ने सिद्धार्थ को और उसकी बुआ मोनिका पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर शकील, फार्मासिस्ट रजत, शिवम ने बच्चे को टीके लगाए हैं। डॉक्टर शकील ने बताया कि इस पागल गीदड़ ने कल गांव के ही व्यक्ति देवराज पर उस समय हमला बोल दिया था जब वह जंगल से होता हुआ खेत से वापस लौट रहा था। पागल गीदड़ अब तक 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। सिद्धार्थ, पिताजी का क्या नाम है इनके? अरुण कुमार। अरुण कहाँ रहते हैं? मालीपुर, थाना पागबड़ा। थाना पागबड़ा, क्या हुआ है? अच्छा, इधर आया है, थोड़ी पीछे था उससे बुआ का लिपट गया। बुआ का क्या नाम है? बुआ का नाम मोनिका। अपनी बुआ के साथ गया था ये मोनिका के साथ, पीछे से पकड़ लिया उसको। पीछे से, ये पीछे ही बैठा था उसके बिल्कुल, जा सकते इधर आया रे, एकदम लिपट गया उसके तो भाग गया है पकड़ पाओ से। वो फिर भाग गया, जैसा उसे पता चली वो मारने को भाजी, उस पर भी झपटा मारा उसने, फिर उसके बाद भाजा बोलते हाथ हाथ लेकर उसको। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। आप पिताजी हैं इनके? नहीं, इसका चाचा। पिताजी क्या करते हैं? वो कैंट्री का काम करते हैं। लगता है कि जैताल का बाइटा है, क्या है मामला? ये गेहूं काट रहा था, जिसका नाम देवराज है, इसकी उम्र लगभग 50 के करीब है, और काटते हुए गेहूं काटते हुए कि इसको हमला किया गीदड़ ने। इसके कमर में काटा हुआ है और एक पैर में है, काफ़ी जख्म था। वहीं एक बच्चा और था सिद्धार्थ, उस पर भी हमला किया गीदड़ का। एक्चुअल में गीदड़ शर्मीला जानवर होता है, लेकिन जब ये पागल हो जाता है तब ये गांव में यह हमला करता है। ये वैसे नॉर्मली नहीं काटता। कितने लोगों को काट चुका है ये? अभी हमारे पास 2 आए हैं, एक तो सिद्धार्थ है जो बच्चा है जिसकी उम्र 5-6 साल है, और एक देवराज है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है।